नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ थायराइड प्रॉब्लम के बारे में। अपने पिछले दो वीडियोस में मैंने क्लियर किया आपसे कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कहाँ होती है, थायराइड हार्मोन का फंक्शन कैसे होता है और शरीर में थायराइड हार्मोन के क्या काम होते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी यदि थायराइड हार्मोन के शरीर में होने वाले जो उसका परसेंटेज है, जो उसकी मात्रा है, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है तो आपको कौन कौन से सिम्टम मिलेंगे, ये कितने प्रकार की होती है और क्यों होती है। थायराइड हार्मोन की जो प्रॉब्लम है वो मेनली दो प्रकार की होती है। पहले में थायराइड हार्मोन का परसेंटेज बढ़ जाता है और दूसरे में थायराइड हार्मोन का जो मात्रा है शरीर में वो कम हो जाती है। पहले हम बात करेंगे बढ़े हुए हार्मोन के बारे में। शरीर में थायराइड हार्मोन का बढ़ना हाइपर थायरोडिज्म कहलाता है। हाइपर थायरोडिज्म के मेनली दो कारण होते हैं। पहले में आपके शरीर में निकलने वाला TSH हार्मोन, जो कि ब्रेन से निकलता है, जो कि थायराइड का बॉस है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि आपके थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करती है और शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। दूसरे कंडीशन में TSH का लेवल तो नॉर्मल रहता है, लेकिन आपके थायराइड में ही कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन निकालने लगती है। ये दोनों कंडीशन मुख्य रूप से कुछ रोग में मिलती है। जो पहला रोग है वो है ग्रेव डिसीज। ग्रेव डिसीज एक ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर है जिसमें शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पैदा होते हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड मजबूरन थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकालती है। ग्रेव डिसीज एक ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर है और ज्यादातर हेरिडिटरी होती है, यानी कि परिवार में सभी लोगों को मिलती है या फिर माता पिता से बच्चों को होने वाले रोगों की श्रेणी में आती है। इसके अलावा कभी कभी जब थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, तब भी शरीर में थायराइड हार्मोन का परसेंटेज बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आपके थायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाए, कोई गांठ बन जाए या फिर किसी और तरीके से थायराइड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब भी आपके शरीर में थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन बढ़े हुए हैं तो फिर आपको क्या लक्षण मिलेंगे। पहला लक्षण जो बहुत कॉमन होता है वो होता है आपके हार्ट की धड़कन का तेज हो जाना, जैसे कि मेडिकल टर्म्स में पाल्पिटेशन कहा जाता है। पाल्पिटेशन का मतलब है कि नॉर्मली हम अपने शरीर में अपने हृदय के धड़कने की गति को महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि अभी वर्तमान में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, चल रहे हैं, तब आप अपने हृदय की धड़कन को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन पाल्पिटेशन में आपको अपना हृदय धड़कता हुआ महसूस होता है। इसे फील भी किया जा सकता है। इसको फील करने का तरीका होता है, आपको अपनी हथेली लेनी है ऐसे, और हथेली अपने हार्ट के ऊपर रखनी है, जहां आपका हार्ट की पोजीशन होती है उसके ऊपर आपको रखनी है। इस कंडीशन में आपको अपने हथेली के इस हिस्से में हृदय की धड़कन महसूस होगी, इसे पाल्पिटेशन कहा जाता है, जो कि थायराइड हार्मोन के ज्यादा निकलने का एक बहुत ही क्लासिकल साइन होता है। इसके अलावा आपका बीपी का बड़ा होना, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम का होना और मेंस में सेक्सुअल डिजायर का बढ़ जाना, लेकिन सेक्स करने में असमर्थता का होना, यानी कि सेक्स करने की इच्छा तो बहुत होगी लेकिन वो सेक्स कर नहीं पाएंगे, मजबूरन वो मस्टर्बेशन या ऐसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ये भी थायराइड हार्मोन के बड़े होने का सिम्टम होता है। इसके अलावा एंग्जायटी का होना, टेंशन का होना, डिप्रेशन होना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट का होना, अत्यधिक पसीना आना, ये भी थायराइड हार्मोन के बढ़े होने का लक्षण है। थायराइड हार्मोन का एक बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है वो ये है कि भूख का बहुत ज्यादा लगना, लेकिन भूख लगने के बावजूद आपके शरीर के वजन का लगातार घटते जाना। इंसान को भूख तो बहुत लगती है, वो बहुत खाना खाता है, खाना पचता भी बहुत अच्छे से है, लेकिन उसके बावजूद शरीर का वजन लगातार घटता जाता है। ये शरीर में थायराइड हार्मोन के बढ़े होने का एक बहुत ही क्लासिकल सिम्टम होता है। तो अगर आपको थायराइड हार्मोन के सिम्टम्स को मैं समराइज करूं तो पहला सिम्टम बहुत ज्यादा टेंशन का होना, फटीग का होना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट का होना और पाल्पिटेशन का आना, हृदय की गति का बढ़ा हुआ रहना, बीपी बढ़ा हुआ रहना, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम का होना, आदमियों के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम का होना आदि लक्षण होते हैं। यहाँ मैं आपसे अपना एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता था। बीपी के कारण उन्होंने बहुत सारे एलोपैथिक दवाइयां ली, उनको डायग्नोज हुआ कि आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है, वो ट्रीटमेंट लेते रहे लेकिन उनका बीपी कम हो ही नहीं रहा था, इसलिए मजबूरन वो बाद में आयुर्वेद के पास आए। उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया तो मुझे उनका कुछ क्लासिकल सिम्टम उनके ऐसे लगे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनकी हार्मोनल प्रोफाइल करवानी चाहिए। जब हार्मोनल प्रोफाइल कराई तो उनके बॉडी में थायराइड हार्मोन का परसेंटेज ज्यादा था, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति
या ऐसे कई लोग होते हैं जो अपना ट्रीटमेंट बीपी के लिए करवा रहे होते हैं या फिर अपना एंग्जाइटी के लिए साइकेट्रिक के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। फीमेल्स के साथ भी होता है, फीमेल अपनी हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए जैसे कि महीने में 2 या 3 बार मेंसुरेशन का आ जाना या फिर मेंसुरेशन का आना तो बंद ही नहीं होना, लगातार 8 8 10 10 दिन तक वजाइना से ब्लीडिंग का होते रहना, आदि सिम्टम मिलते हैं जिसके लिए वो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं यानी कि इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट लेते रहते हैं। लेकिन यदि आप उनका थायराइड टेस्ट करवाएंगे तो उनको हाइपर थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम रहती है यानी कि थायराइड हार्मोन बढ़े हुए रहते हैं। इसलिए बहुत सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये बहुत जरूरी है कि आप उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं और देखें कहीं उसको हार्मोन प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर के हर अंग को, हर एक कोशिका को, हर एक ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। तो ये कुछ क्लासिकल सिम्टम मैंने आपको बताया। एक क्लासिकल सिम्टम जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी वो थायराइड हार्मोन में मिलता है, वो ये है फाइन ट्रेमर्स का आना। ट्रेमर का मतलब होता है हाथ पैर का ऐसे कप कप आना। अब फाइन ट्रेमर ये है कि नॉर्मली हमारे हाथ जैसे मैंने अभी ये रखे हुए हैं आपके सामने, तो मेरे हाथों में कोई कंपन नहीं है, लेकिन अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो आपको उंगलियों के ये जो लास्ट वाले हिस्से होते हैं बिल्कुल लास्ट वाले, ये ऐसे कपते हुए महसूस होंगे। अभी चूंकि मेरे को थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद हिला रही हूँ इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कप रहे हैं, लेकिन जब थायराइड प्रॉब्लम होती है तो इनमें इतना मामूली कंपन होता है जो दिखाई भी नहीं देता, कई बार पेशेंट को खुद भी नहीं पता होता है, लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसे महसूस होता है कि हाथ पैर कप रहे हैं। ये थायराइड हार्मोन के बड़े होने का बहुत ही क्लासिकल सिम्टम होता है जो कि आप जनरली अपने आप के साथ भी देख सकते हैं या फिर दूसरे के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाइपर थायरॉयडिज्म का आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी होम रेमेडीज है जिनका आपको इस्तेमाल करना है, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए और डाइट में आपको क्या क्या चेंज करना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। प्लीज मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वो सारे सवाल जिनका आंसर आप चाहते हैं मैं डिटेल में संडे के दिन आपको बताऊं, तो प्लीज उनके आगे #MyQuestion लगाना मत भूलिए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं लेकिन उनके आगे ये नहीं लगा रहता है तो कई बार वो मिस हो जाते हैं, #टैग लगाने से वो हाईलाइट हो जाता है जिसकी वजह से मेरा ध्यान उस पर चला जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संडे के लिए जितने भी सवाल पूछना चाह रहे हैं उनके आगे #MyQuestion जरूर लगाएं, और ये नियम हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए आपका जो सवाल है उसके आगे करें। और इस वीडियो में थायराइड से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।